फिर ये विद्यार्थियों, हम आपको पिछली वीडियो में मैं इंसुलेशन 8 नंबर की, अलजेब्रा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की, रियल नंबर आपके 5 नंबर के, संख्यांक की आपके 10 नंबर की, ज्योमेट्री आपके 12 नंबर की यूनिट बाय यूनिट करा रहे हैं, समझा रहे हैं। हम आपको 10th क्लास का टोटल सिलेबस करा देंगे, आराम से घर बैठे बैठे अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें। देखिए क्वेश्चन क्या, जरा ध्यान दें। वृत्त में लघु चाप 85 है तो दीर्घ चाप ज्ञात करो। आपके सामने डायग्राम दे रखा है, देखिए अपने आंसर या सोल्यूशन में पी क्यू बराबर का दे रखा है 85, दीर्घ चाप आपको क्या दे रखी है 275। कैसे आएगी, जब आप 360 में से 85 निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको 275। इसको आप रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, 275 डिग्री को जब आप 180 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आपको 275 बटे 180 गुणा पाई, ये आपका मान रेडियन में आपको मिल जाएगा। याद रखना पाई का मान रेडियन में 180 होता है, पाई का मान रेडियन में 180 होता है। आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए और भी इम्पोर्टेंट प्राप्त होता रहे।